नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल को लेके कि इसका उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सर में मेरे बाल तो है नहीं, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने बोला था सर आप इसका लाइव डेमो हमको दिखाइए कि इसका उपयोग हम इसको अपने बालों में कैसे अप्लाई करें। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं दोस्तों एक बात कि जिसके बाल झड़ चुके हैं और जिसको बाल रिग्रोथ कराना है उसके सर पे एक भी बाल नहीं रहना चाहिए, तब जाके ये तेल काम करेगा। एक भी बाल नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब नेचुरली बाल झड़ जाना दोस्तों वो चीज नहीं बोल रहा हूं मैं। दोस्तों इसका उपयोग करने के लिए पहले आपको पूरा गंजा होना पड़ेगा, ये सिर्फ जेंट्स के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, लेडीज के लिए नहीं। जेंट्स, वो जेंट्स जिनको बालों का रिग्रोथ कराना है, जिनके बाल बहुत से झड़ चुके हैं और जो उग नहीं रहे हैं, जिसमें बारीक बारीक बाल दोस्तों, जैसे कि बारीक बारीक बाल दिखते हैं लेकिन वो उगते नहीं है दोस्तों, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि ये ऑयल कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों तो इस ऑयल को इस्तेमाल करने के लिए मैंने अपने बालों को पूरा कटवा दिया हूँ, कटवा दिया हूँ मतलब दोस्तों पूरा ही चाटी कर चुका हूँ, अमरीश पुरी के जैसा। दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आपको इस हेयर ऑयल का उपयोग करके बताऊंगा दोस्तों, वो भी लाइव, कि आप कैसे इस हेयर ऑयल को अपने सर में अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगेंगे दोस्तों उसके लिए तीन चीजें, वो तीनों चीजें मैं आपको इसी वीडियो में दोस्तों दिखाऊंगा, आप भी इस हेयर ऑयल का उपयोग करके अपने बालों का रिग्रोथ कर सकते हो दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अपने बालों को पूरा कटवा दिया हूँ दोस्तों, और कटवाया भी है उसे पूरा आजू बाजू चारों तरफ से छिलवा दिया हूँ। क्यों? क्योंकि इस हेयर ऑयल का उपयोग करना आपको भी अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। सिर्फ आपके लिए मैं ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों तो सबसे पहले रहना चाहिए आपके पास एक चाकू। चाकू क्यों रहना चाहिए दोस्तों? क्योंकि आपको लगेगा एक प्याज, और एक प्याज के बाद दोस्तों एक छोटी सी कटोरी लगेगी, चाहे वो स्टील की रहे या कांच की रहे आपके इच्छा अनुसार दोस्तों। ये तीन चीज के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हेयर ऑयल। इसमें नाम लिखा हुआ है श्री आदिवासी सावंती हर्बल हेयर ऑयल, और देखिए दोस्तों इसमें फोटो लगी हुई है जिसमें आदिवासी नीलंबर हेयर ऑयल जो आता है, जिस इंसान की फोटो उसमें लगी रहती है, इसमें भी उसी की फोटो लगी है। ऐसा क्यों दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये ऑयल मैंने लिया हूँ विनय भाई से, और ये सब एक ही फैमिली है दोस्तों जो हेयर ऑयल बनाती है, सब एक ही फैमिली है, इस कारण इनकी फोटो लगी हुई है दोस्तों। इधर साइड विनय भाई की फोटो लगी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो, और इधर साइड किसी और की फोटो लगी है जिसके नीलंबरी हेयर ऑयल में जिसकी फोटो रहती है। तो ये चीजें दोस्तों आपको, चार चीजें आपको अपने पास रखना है। सबसे पहले ऑयल को बहुत अच्छे से सेक कर लेना है दोस्तों, आप इसको अच्छे से हिला लीजिए, अच्छे से हिला लीजिए ताकि ये ऊपर नीचे से दोनों तरफ से पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अंदर जो भी जड़ी बूटी है ये पूरी जड़ी बूटी इसमें ऑयल में मिक्स हो जाए, अच्छे से हिला लेना दोस्तों। उसके बाद इसको ओपन कर लेना, इसकी सील तोड़ लेना दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो कटोरी अभी खाली है, उसके बाद ये हेयर ऑयल इसमें डाल देना है दोस्तों, थोड़ा सा ही लेना है, एकदम से ज्यादा नहीं लेना है। मैंने एकदम थोड़ा सा हेयर ऑयल लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे मेरे सर में बाल तो अभी है ही नहीं, सिर्फ इसको उसकी जड़ों में अप्लाई करना है। ऐसा इस कारण है दोस्तों, बाल काटने के लिए किस कारण उन्होंने मुझे बताया थे वो भी इसके पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट में आई बटन में देख लेना दोस्तों आप। उसके बाद ये प्याज को आपको काट लेना है। प्याज को दोस्तों ऐसा नहीं काटना है, इस टाइप से प्याज को नहीं काटना है, प्याज को खड़ा काटना है दोस्तों, समझ गए बात। प्याज को आप खड़ा काट लीजिए, प्याज को जैसे कि मैं काट लिया हूँ चाकू की मदद से। अब देखिए दोस्तों ये दो प्याज हो गए हैं, यहाँ पर ये दो प्याज हो चुके हैं। अब दो प्याजों में से अपने को एक प्याज यूज करना है, एक प्याज यूज नहीं करना है, और एक दिन के बाद एक दिन ये हेयर ऑयल यूज करना है, हफ्ते में 4 बार यूज करना है दोस्तों। ये हेयर ऑयल हफ्ते में 4 बार यूज करना है प्याज के साथ, मतलब आज मैं लगाऊंगा तो कल मैंने लगाऊंगा, मैं परसों लगाऊंगा, और जैसे आज मैंने हेयर ऑयल ये लगाया हूँ तो कल सुबह मैं अपना शैम्पू से अपने सर को वॉश कर लेना है। ऐसा नहीं बाल नहीं है तो शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है, बाल नहीं है फिर भी शैम्पू दोस्तों लगाना पड़ेगा, साबुन नहीं लगाना है। तो ये प्याज मैंने आधा काट लिया हूँ, अब इस प्याज को इस हेयर ऑयल में डुबाना है दोस्तों। आप देख सकते हो मैं इसमें हेयर ऑयल में प्याज को डुबा रहा हूँ, मैंने प्याज को अच्छे से डुबा लिया हूँ। उसके बाद अब जैसे प्याज को मैंने हेयर ऑयल में डुबा लिया, उसके बाद मुझे अपने सर पे अप्लाई करना है। काफी ठंडा ठंडा लग रहा है दोस्तों, मैंने आज ही ढक लिया हूँ अपनी, वो भी अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि सर पहले आप अप्लाई करके दिखाइए, बाद में हम इसको परचेज करेंगे। परचेज करना नहीं करना दोस्तों आपका मैटर है, क्योंकि अगर आपको आवश्यकता है तो
तो आप परचेस करिए, अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप दोस्तों परचेस मत करिए। मेरे बाल झड़ रहे थे और मैं इसके पहले भी 3 महीने लगा चुका हूँ, मेरे हेयर फॉल बहुत बाल हो रहे थे, तो अब वो नहीं हो रहे अब, लेकिन मैं फिर से इसको लगाने के इच्छुक हूँ दोस्तों। मैं इस कारण लगा रहा हूँ क्योंकि इसको कितनी भी बार लगाइए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप देख सकते हो दोस्तों मैं चारों तरफ इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे आपको भी दोस्तों अप्लाई करना है। आधा प्याज लेना और जिस इस प्याज का जो दूसरा टुकड़ा जो है दोस्तों याला, इसको आपको सेकेंड डे इसको यूज नहीं करना है, आपको फ्रेश प्याज ही यूज करना है। कारण इसके अंदर जो इसका जो रस है वो रस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उसी रस से और इस ऑयल से आपके बाल में जो भी रिग्रोथ होने का चांसेस है वो हो सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों मैं अपने सर पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ चारों तरफ अच्छे से, 2-3 मिनट इसका मसाज कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद 1 महीने तक इसको यूज करना है, उसके बाद अपने को रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो फिर अपन देखते हैं दोस्तों। जिसके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रिग्रोथ जिनको करना है उनको बहुत अच्छे से इसका उपयोग करना है दोस्तों। देखिए मैंने फिर उड़वा लिया हूँ प्याज को ऑयल में, अब इसको फिर से इधर मैं मसाज करता हूँ दोस्तों। आपको ये आपको भी ऐसे ही मसाज करना है दोस्तों, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि आपके एक व्यक्ति के सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है कि मैं आपके लिए और मेहनत करके ऐसी ही वीडियो दोस्तों बना पाऊँ। जब चैनल में व्यूज नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ते हैं तो थोड़ा मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार है इस कारण मैं बढ़िया से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, पूरी जानकारी लेकर आगे भी वीडियो बनाते रहूंगा। देखिए दोस्तों करीब 1 मिनट तो हो चुका है, अभी अपने को 2 से 3 मिनट तक इसका उपयोग करना है दोस्तों, तभी अपने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी जगह नहीं छोड़ना है दोस्तों, चारों तरफ सर के आजू बाजू पूरा जहां तक आपने अपने बाल टकली कराए हो वहां तक कर सकते हो दोस्तों। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जिनके बालों में सिर्फ झड़ने की तकलीफ है या जिनके बालों में डंड्रफ है उन लोगों को टकली कराने की कोई जरूरत नहीं है। टकला उसी को होना है, उसी को गंजा होना है, उसी को चाटे होना है जिनको रिग्रोथ करना है, समझ गए दोस्तों, जिनको रिग्रोथ करना है। और वीडियो वाले भैया ने पहले ही बता दिए हैं कि जिनका बाल इस हथेली के जैसे चिकना हो चुका है, जिनका टकला जिनका जो टकली जो है वो हथेली जैसे चिकनी हो गई है, उसका कोई भी उपाय नहीं, उसका कोई भी उपाय दोस्तों नहीं है। और जिनके हल्के हल्के बाल हैं, बारीक बाल हैं, पतले बाल हैं, बाल झड़ रहे हैं, उनका ये इलाज है दोस्तों। हो सकता है इस ऑयल से बाल उनको आ जाए। 2-3 मिनट तक बढ़िया से सर की मसाज करना है, देख सकते हो दोस्तों मैं कहां तक लगा रहा हूँ, सामने तक यहाँ तक भी लगा रहा हूँ, मेरे राइट साइड में मिरर है दोस्तों, मैं उसमें भी देखते जा रहा हूँ कि कहीं गलत ना लगा दूं मैं। बहुत ठंडा लग रहा है दोस्तों, हल्की हल्की जलन हो रही है क्योंकि मैंने आज ही टकली किया हूँ, टकली करने के बाद मैंने सिर्फ सादे पानी से ही सर धोया हूँ, मैंने किसी भी प्रकार का शैम्पू वगैरह दोस्तों सर पे नहीं लगाया हूँ। और प्याज की स्मेल भी आ रही दोस्तों सर से, एक और बार डुबा लेता हूँ। पहला दिन है, उम्मीद है कि अच्छा जाएगा ये पहला दिन, और 3 महीने बाद दोस्तों मैं खुद आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। जब भी मैं ऑयल लगाऊंगा दोस्तों तो मैं आपको वीडियो बना बना के दिखाते जाऊंगा, हर 1-2 दिन में तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों वीडियो बना के दिखाना, क्योंकि मेरी भी जॉब रहती है, मैं भी इतना डीपली आप लोगों को डेली वीडियो नहीं बना सकता, मैं भी 10 बजे से रात में 7 बजे तक मैं अपनी जॉब में रहता हूँ, तो मैं बिजी रहता हूँ। 3-4 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में जैसे भी वीडियो बनाना पॉसिबल हो दोस्तों मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों आपको कि कैसे बाल मेरे आ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों ग्रोथ हो ना हो, अगर बाल झड़ना भी अगर अपने रुक जाते हैं तो भी वो कोई बुरी चीज नहीं होती है। अगर अपने बाल झड़ना बंद नहीं हो जब बंद हो जाते हैं तो भी ये ऑयल बुरा नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1500 रुपये में आज की तारीख में आता ही क्या है, 1500 रुपये में आज की तारीख में आता ही क्या है। अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल भी जाओगे तो भी जो अगर कोई हेयर का डॉक्टर है अगर आप उसके पास भी हॉस्पिटल में जाओगे तो भी उसकी फीस मिनिमम 500 रुपीज रहेंगी, और मेडिसिन मिनिमम 2500 तक वो मेडिसिन लिख के देगा। 1500 का ऑयल है, 3 महीने तक पेशेंस रखना है, 3 महीने तक इसका उपयोग करना है, उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है देख लीजिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आगे नहीं लगाएंगे वही, और क्या होगा वही सोचेंगे कि 3 महीना चलेगा। अगर आप नॉर्मल हेयर ऑयल भी तो लगाएंगे दोस्तों, चाहे वो इंदू लिखा हो
चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, कोई ना कोई ऑयल आप लगाओगे, तो वही समझ के चलिए कि हम ये हेयर लगा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं थोड़ा झुक के दिखा देता हूँ अपने टकनी को, कि ऑयल चारों तरफ अप्लाई हो गया है। 2-3 मिनट हो गए होंगे दोस्तों, अब इस प्रोसेस को करते हैं बंद। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पूरा ही ऑयल लगा लिया हूं। अब मैं इसको कल मॉर्निंग को अच्छे से शैम्पू से वॉश करूंगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे टॉपिक में और डीपली इसके बारे में और जानकारी लेके, डीपली जानकारी लेके दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक में एक और नेक्स्ट वीडियो दूंगा। और अगर किसी को हेयर ऑयल ओरिजिनल कहाँ से लेना है वो चीज नहीं मालूम, तो दोस्तों मेरे वीडियो को और आप अंदर मेरे चैनल के अंदर जाके मेरे वीडियो में देख सकते हो, ओरिजिनल हेयर ऑयल कहाँ से लेना है वो भी मैंने आपको डीपली समझाऊं दोस्तों। तो दोस्तों अलविदा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।